हेलो गाइस, माय सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल आईएलएस वाला इंडिया। राइट नाउ हम लोग बात करते हैं, एक दिन रह चुका है आईएलएस एग्जाम के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट वरी हो रहे हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या होगा इन द फ्यूचर दैट। तो हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे साथ लेके जाना है COVID-19 का एंड वेन्यू। जिन्हें स्टूडेंट का वेन्यू नहीं आया तो शाम तक वेट कर लें, प्लीज़ उनका वेन्यू आ जाएगा। एज वेल एज रीडिंग एंड लिसनिंग की हम ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट इन्हीं में से प्रॉब्लम आती है। रीडिंग की बात करें, जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और थर्ड पार्ट पे आते हमारी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो फिर हमें क्या क्या लगता है कि थर्ड पार्ट काफ़ी मॉडरेट होता है, मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज हमारा जो माइंड फोकस है 20-25 मिनट तक की ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाते हैं। सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है लिसनिंग में। जब हम करने बैठते हैं तो पूरा फिजिकल इफेक्ट होकर बैठते हैं कि मैं तो लिसनिंग में बेस्ट करूँगा, पर जैसे जैसे लिसनिंग डाउन चलती है, टाइम स्पेंड होता था लिसनिंग में, हमारा स्कोर डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ कुछ खा पी कर जाएं, अपने माइंड का एनर्जी का पूरा फुल अपना ध्यान रखें, बिकॉज एनर्जी और माइंड सेटअप ही आपका रीडिंग में एंड लिसनिंग में कॉन्सेंट्रेट करेगा और वही आपका बैंड स्कोर इंक्रीज करेगा। स्पीकिंग की फाइनल वर्जन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, प्लीज़ यहाँ जाकर आप राइट डाउन करें। दैट इज़ वर्क, ये वर्क एक गेस वर्क है, होप सो दैट 100% ट्रू होता है मोस्ट ऑफ टाइम। इस बार भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लिसनिंग एंड रीडिंग के आंसर मैं आपको कल इस चैनल के ऊपर सबसे पहले अपलोड कर दूंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लव।